वेलकम बैक टू माय चैनल सना क्रिएटिविटी। आई एम भी इस वीडियो में है, वैसे वो आ रहा है। ओके इधर आ, मैं करती हूँ, इधर मैं करती हूँ, इधर आ, और फैल गया है, दिखा मुझे, आ इधर। अरे जी 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 आ जा आ जा, चल कोई बात नहीं, आ जा दाई जी। तो हेलो बोल दो। हेलो दाइज। बैठ जा बैठ के। सो क्या है आज? अरे जी पहले यार मेरा कैमरा ही सेटअप जो है ना, हर बार प्रॉब्लम करता है, हर बार। तो चलिए गाइस, आज वैसे आप लोगों को पता ही होगा टाइटल, हाँ। चुप, टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं होममेड स्टिकर्स, बहुत सारे स्टिकर। हाँ, जो कि बनाना बहुत ईजी है, उसमें आपको ना कि स्टिकर पेपर की जरूरत है ना कि कुछ। मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। मैं कलर ले जाता हूँ, जाओ भागो, तब तक मैं और चीज़ें दिखाती हूँ। उसके लिए चाहिए होगा आपको एक सीजर, पेपर, मैंने इतना नहीं लिया है, मेरा एक और शीट रखा है, ये देखिए, और एक और शीट रखा है। मेरे पास बहुत सारे प्लेन शीट्स हैं वैसे तो, मेरे सामान के लिए। वन सेकेंड। तो सेकेंड चीज़ है हमारी परमानेंट मार्कर, सीजर, देन परमानेंट मार्कर भी चाहिए हमें, और एक ब्लैक पेन। एक आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, और कलर भी ले सकते हैं, ठीक है, कलर भी हमारे पास। टैटी भी ले सकते हैं, टैटी। और ये है हमारे पास एक कलर, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सारे लिए। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है हमारा डबल साइडेड टेप, एंड देन ये है पेंसिल की लिड। आप लोग पेंसिल भी ले सकते हैं, देखो पेंसिल यहीं पे पड़ी है बहुत सारी, यू कैन सी। इरेजर भी रखा होगा ना, हाँ। फिर भी इससे ना बहुत, ये जो देख ले, ये वो वाली है लिड वाली पेंसिल, तो लिड की जो होती है ना बहुत हल्की आती है वो शेड, इस वजह से मैंने यही लिया है। उधर हो के बैठ, थोड़ा सा पीछे हो, पीछे पीछे। अरे यार ठीक है, तो हमने लिया है कि ये लिड भी, लिड लेना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब मैं ना बैक कैमरा, अरे बैक कैमरा ही नहीं हो रहा, मैं आपको ऐसे करके पीछे से दिखाती ना तो ज़्यादा अच्छा होता, बट फिर भी रहने देता, अब सीधा ही दिखाना पड़ेगा। आप लोग टेबल नहीं देख पाएंगे ना कि कैसे हो रहा है, उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। वन कोई बात नहीं, अब मेरा एक गाइस सेटअप कुछ भी नहीं बदल पाया, एक ये छोटा सा हमारे बीच में ये आ गया बस, हमने सोचा था कि थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए, बट हुआ नहीं। एक ही आता है, ये देखो, चलो इसे पीछे ही रखते हैं आप। तो मैंने आपको आधे सामान तो दिखाई दिए थे, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, पेपर दिखाया था, और ये लिड दिखाई थी जिससे कि हम हल्की हल्की से कर सकें। ओके अभी हम रख रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, तो हमें एक क्लियर टेप भी चाहिए, क्योंकि हम उससे उसे कर देंगे कवर। एंड डबल साइडेड टेप तो दिखाया था, पेन भी दिखाया था, मार्कर भी दिखाया था, दो दो था उस टाइम मार्कर, बेटा एक ही है, ये दोनों चीज़ तो दिखाई थी, और कलर, अच्छा हाँ कलर खोल के नहीं दिखाया था ना, नहीं खोल के नहीं दिखाया था हमने, तो कलर कलर ये रहा। जल्दी तो चला, तो चलाता हूँ मैं। हाँ हाँ बनाना नहीं है स्टिकर और पेपर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ, हम लोग बनाएंगे ये क्या बोलते हैं उसे, एक शेप बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे या तो ड्रॉ करना है क्या? डील नहीं, एक काम करते हैं हम लोग डोरेमोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? डोरेमोन कैसे बनाओगी? शांति से रहो, बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस लिड से ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे तो हमारे पास
पेंसिल भी है बट इससे हल्की हल्की होती है, तो हमें हल्का हल्का ही चाहिए, हमें इतना पूरा डार्क नहीं चाहिए। पहले अभी डोरेमोन बना रही हूँ, समझ नहीं आता क्या एक बार में नहीं पेंसिल के जैसे क्यों चल रहा है। अब तो काम नहीं होते। मुझे डोरेमोन बनाना नहीं आता तो वो बिगड़ सकता है, क्योंकि मुझे डोरेमोन ही नहीं बनाना आता तो क्या ही हो पाएगा मुझसे। नहीं डोरेमोन की जगह पे बिल्ली बन जाएगी कोई। लेट्स सी बट देना पे मना तो तत्ता था। अबे डोरेमोन होता कैसे मुझे तो यही नहीं पता। मुँह पूछवा क्या मम्मी से, मुँह पूछवा क्या पूरा लगा है पूरा टकाटक। गाइस मेरा ये देख लो डोरेमोन कैसा बना है, मतलब डोरेमोन देखेगा तो बोलेगा क्या कर दिया मुझे। अभी मैं थोड़े से इसमें और डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। अयन सीधे रहो यार, तुम्हारे चक्कर में हिल गया पूरा डोरेमोन खराब हो गया। इरेजर लेके आओ जा भागो। इरेजर तू लो दूसरा बना लो। गाइस कुछ और देखते हैं क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, हम बटरफ्लाई ड्रॉ करते हैं। बटरफ्लाई ओजिन ओजिन आता है ओजिन। चुप रहो। हम बटरफ्लाई ड्रॉ कर रहे हैं, हम नहीं मतलब मैं। कबूतर कबूतर नहीं आता तुम तो। तो बटरफ्लाई को मैं ड्रॉ तो कर रही हूँ बट मुझे ये भी नहीं पता अब कौन सा कलर करना है, क्योंकि बटरफ्लाई तो बहुत कलर की होती है। हाँ पिंक कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बॉर्डरिंग कर लेते हैं, उसमें जो है बाहर के तरफ पर्पल कर लेंगे और स्मॉल स्मॉल जो है एक गोल गोल बना देते हैं, उसमें हम ब्लू कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे क्यूटी टाइप बनाएंगे। मुझे नहीं करने दूंगी कलर, तुम तो फैल जाएगा ना, छोटा बना रही हूँ, तुम कॉपी में कर लेना। हाँ अगर मैंने बैनी डाल दिया। एक सेकंड रुको। बैनी डाल दिया, बैनी ग्रीन हो जी मोटा। तुम इसमें कर लेना ठीक है। ये लो पेंसिल, कलर निकालूंगी तब। तो गाइस मेरी बटरफ्लाई मैं आपको दिखाती हूँ। ओहो मैं तब देख सकते हो। तो इसमें ना मैं कुछ कलरिंग अभी करूँगी, तो अभी उसके लिए वेट करते हैं, मैं जब कलर कर लेती हूँ तब मिलती हूँ आपसे। तो गाइस हमें एक और चीज़ चाहिए होगी इरेजर, क्योंकि हम कलरिंग करेंगे तो बैक की जो होगी वो निकालनी होगी ना, पेंसिल इरेज करनी होगी इस वजह से। अरे मैंने नहीं दो ठीक है गाइस। और मैंने रबर ये मतलब हेयर बैंड कितना यार, ये बालकनी का गेट बंद हो गया, पूरा लाइट खत्म हो गया। हमें जो है बालकनी की गेट चालू मतलब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि नो लाइट इज कमिंग। बालकनी की गेट खुल चुकी है, ये तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि हमने कैसा ड्रॉ किया है। तो ड्रॉ देखिए मैंने ऐसा कुछ किया बटरफ्लाई, अब इसे कलर करने के बाद हम देखते हैं और क्या होता है इसमें। अभी मैंने नहीं किया तो मैं क्या करूँ। ये ले दोनों का काम है और ये कलर। तो चलिए गाइस हम लोग जो है कलर कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस मैंने बटरफ्लाई को कर दिया है कलर, तो आप देख सकते हो। मैंने भी कर दिया। तो नहीं बनाया, दिखाओ। मैंने भी कर दिया। अयान की ड्राइंग देखिए। चलो सबसे पहले ब्लैक वाला, सबसे पहले डेलाइट वाला लूदा। तो गाइस हमारा बटरफ्लाई तो कलर हो चुका है, अब इसे हम ना एक स्क्वायर स्क्वायर शेप के पेपर मतलब इसको जो पेपर पे जिस मतलब और मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा, जहाँ पे मैंने बनाया है ना वहाँ पे से इस पेपर को स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में काट लेते हैं। अभी तो मैं कैसे भी काट रही हूँ, स्क्वायर बने रेक्टेंगल बने कुछ भी बन जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये थिंग्स वो रेक्टेंगल है, तुम जोर मत लगाओ ना। जोर नहीं लगा रहा था तो ओके। तो हमने इसे कट कर दिया है देखिए।
अब इसे हम जो है शेप देंगे पूरी इसकी, थोड़ी सी वाइट छोड़ के, तो वो हम बाद में करते हैं। पहले मैं एक और बना लेती हूँ फ्लावर का। तो मैं मिलती हूँ आपसे बहुत सारे चीज़ें बनाने के बाद। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे ना मैंने ये क्यों नहीं यूज़ किया, ये चल ही नहीं रहा है। मैंने कितना इसे चलाने की कोशिश की, ये चल ही नहीं रहा है। बट टोरोनादार मैंने अभी ट्राई किया, मैंने सोचा कि क्या आपको बता देती हूँ, इसी वजह से मैं यूज़ नहीं कर रही। तो गाइज मेरा और टीन बन चुका है, मैंने नहीं किया अभी तक, मैंने नहीं किया दाल। तो करो ना किसको ना किया तुम्हें। मैंने नंबर भी डाला है, 3 कर रहा है। ये देखो मेरा एक तो कट है, अब इन तीनों को भी हमें ऐसे ही कट कर देंगे। मेरी थोड़ी कलरिंग बेकार है, मुझे ड्राइंग पसंद भी नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी फैली हुई बनी है, आप देख ही सकते हो। ये है हमारी पिंक वाली, हाँ ये हमारी रेड वाली, और तीन वाली ने ग्रीन वाली, देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। तो इन तीनों को अब हम कट कर देते हैं। सो गाइज अभी हमारे इतने बने हैं, अब क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है गाइज। हाँ नहीं देखो, ये देखो, ये तो इन्हें अब हम जो है ना शेप दे के काटेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ काट के, तो शेप दे के काटना है। मैं आपको दिखा रही हूँ एक काट के, पता नहीं टूटा गया। चलो तुम दो तुम दो तब नो पोस्ट पैन इधर दो। अरे यार इसीलिए बोल रही हूँ मत मुक्के मार, नहीं नहीं मारा तुम्हें। अभी क्यों किया ऐसे? मैंने नहीं किया था वो ड्राइवर जो, तो उसको वाला तो ये था दाल मुझे। हाँ तो गाइस हमें ऐसे काटना है सारे, थोड़ा थोड़ा वाइट छोड़ के, इसमें थोड़ा सा इधर साइड में वाइट नहीं छुड़ पाया। मैं आपको सारे काटने के बाद दिखाती हूँ। फिर मेरा फिर से गाइस मैंने अब सारे काट दिए हैं, मैंने भी कर दिया। ये देखिए एक ये बटरफ्लाई वाला कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसकी थोड़ी सी इधर से वो कट गई है थोड़ी सी ये जो है। एंड ये ब्लू फ्लावर काटा है मैंने, ये पिंक फ्लावर, एंड ये रेड। तो अब आगे क्या करना है, हमें लेना है क्लियर टेप। क्या और करो काटेंगे तो हर लास्ट में काटेंगे। हाँ एक बार अयान की ड्राइंग देख लीजिए, अयान ने 3 बनाया, यू बनाया, एक हार्ट बनाया है जो कि अयान ने ड्रॉ से ही किया था, कलर थोड़ा सा फैल गया है, कोई बात नहीं। ओहो चलो पेंटिंग ले डालना तराची जी तुम चाहिए ना तराची, मुझे नहीं पता नटराज की, यानी अप्सरा की है वो, अप्सरा की। उल्टा बनाऊ उल्टा बनाऊ लेंगे क्लियर। मेरे सर जी कॉपी भी नहीं कर रहे हो, आ जाएगा रुक जाओ बनाने दो स्टिकर। ये बटरफ्लाई जहाँ से कलर हुआ है उस साइड को जहाँ पे ग्लू है टेप में वहाँ चिपकाना है। ओल ओल उल्टा बनाओ दिस डन। ऐसे हमें सारे सारे करने ऐसे ही कलर्ड वाले साइड पूल बनाता वाले साइड पे चिपका देना, देखते कैसे है। जस्ट लाइक दिस। अब रेड कलर वाले को भी चिपका देंगे,
टेपुल बना दिया। एंड ब्लू वाले को भी ऐसे ही चिपका देंगे। अब इसके बाद हमें जो है इसे काटना नहीं है, इसे ना जहाँ से ये ख़त्म हुआ है इसे फोल्ड करना है और ना टेप के दूसरे वाले स्टिकी साइड पे चिपका देना है। कैसे चिपकाऊँ, चिपक गया। ऐसे मैंने घर पे बहुत सारे बनाए, वैसे तो नहीं निकालूंगी क्योंकि जस्ट लाइक दिस ये हो जाएगा। फिर हमें जो है ना इसको काटना है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। हम इन सारे को मैं काटती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ओके, वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस मैंने अब सारे टेप के साथ देखे ऐसे बहुत काट दिया, मतलब अब इसका कलर फैलेगा नहीं। और अब इसके पीछे से स्टिक करने के लिए हम लोग लेंगे डबल साइडेड टेप। हमने फोर बनाए हैं, इसमें आपको पूरी स्टिक नहीं करनी है, आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे मैंने फोर बनाया है तो मेरा मन नहीं है अभी पूरे का। आप इसे स्क्वायर शेप में करके काटेंगे इसे। ओहो रेक्टेंगल कट गया, कोई बात नहीं, बस छोटा छोटा चिपकाएंगे दोनों में ग्लू, मतलब सब में ग्लू छोटा 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 करके। यही मतलब टेप, ये देखिए जस्ट लाइक दिस। जब भी चिपकाना होगा इसका ये निकालो और चिपका दो डबल साइडेड टेप है, क्योंकि ये तो निकल जाएगा। वैसे तो यह यान के लिए बना है, हाँ बनाया मैंने, वैसे बना यान के लिए। अरे उसे क्यों दिखा रहे, सिर्फ तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, वीडियो कट जाएगा, वीडियो कट जाएगा। बहुत मुश्किल से हुआ है, आप इसे तभी निकाले जब आपको चिपकाना होगा। जैसे कि हम कौन सा निकाले, ब्लू का निकालते हैं, चलिए नहीं ब्लू। और हमें यहाँ पे इसको जहाँ पे भी चिपकाना है, जस्ट लाइक दिस, जहाँ पे भी चिपकाना है डबल साइडेड टेप चिपका दीजिए। यार ठीक है, अभी तो मैं इसे वापस रख रही हूँ। इसका पेपर, इसका पेपर मैंने संभाल के रखा है। आप भी खेल रहे हो क्या? क्रिसमस खेल रहे हैं क्या? ओके गाइस, तो हमारा ये स्टिकर तो बन चुका है। होप कि आप लोगों को ये वीडियो और हमारे ये स्टिकर्स भी अच्छे लगे हों। तो इन स्टिकर्स, मतलब इसके ना मैं आपको और भी तरीके बताऊँगी स्टिकर्स बनाने के, मैं तो बनाती हूँ। ये देखो आयान, ये देखो अब ये सारे दूंगी मैं आयान को सेंटा क्लॉस, मतलब आयान की सेंटा क्लॉस बन के। आयान हाँ, मैरी क्रिसमस, ये लो तुम्हारे लिए स्टिकर्स। थैंक यू बाजी। तो मैं मिलती हूँ और आयान मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी नहीं होगा मेरा, अरे तुम्हारा नहीं हुआ है ना, तुम्हारा एक बना देते हैं। एक नहीं, मैं एक मैं बनाऊंगा। तो गाइस आयान की आइसक्रीम आइसक्रीम फैल गई है, आइसक्रीम बनाएंगे हम लोग। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तुम्हारा अलग से बनाएंगे बहुत सारे। नहीं अरे चलो ना बनाते हैं। आयान वीडियो टाइम खत्म हो गया था।